थ थर्टी सेवन तक हो गया इनॉल परसेंटेज कंप्लीट हो गया आपका नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी बचा हुआ है डी टू से रिएक्शन इनॉल का या कीटोफॉर्म का डी टूओ से रिएक्शन और देन आपको पढ़ना है इसमें टॉटोमस इन एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम थर्टी एट थर्टी एट ये एक क्वेश्चन आया हुआ था ये हम लोग पहले भी कई टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि इनॉल्व फॉर्म ऑफ एसिटोन ऐसा इनोल्व फॉर्म ऑफ एसिटोन ये आई टी एडवांस का क्वेश्चन था और इसमें ऑप्शन लिखा हुआ था कि इनोल्व फॉर्म ऑफ एसिटोन रिएक्ट विथ डी ओ ये जो हैवी वाटर से रिएक्शन करेगा ऑप्शन लिखा हुआ था ऑप्शन देख करके आपको सोचना है कि क्या जो बेस्ट चांसेस हो सकता है तो सी एच थ्री और सी और ओ एच डबल वन सी एच डी बी सी एच टू डी सी और ओ एच डबल वन सी एच टू सी सी एच थ्री सी ओ डी डबल बॉन्ड सी एच टू डी सी एच टू डी सी और ओ एच सी एच डी एस ये होगी तो ये ऑप्शन में लिखा हुआ था एट एडवांस का क्वेश्चन था इनॉल्व फॉर्म ऑफ एस रिटोर्न में था डी टू ठीक है तो आप जानते हैं इनोल्व फॉर्म ऑफ एस आप पढ़े हुए हैं इनऑल्व फॉर्म ऑफ एस ये है इनोल्व फॉर्म ऑफ एस रिटोन और अगर आप प्रोडक्ट को देखेंगे उधर राइट साइड में प्रोडक्ट को देखिएगा तो प्रोडक्ट में आपको सिर्फ क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आप आंसर को देखेंगे कि ऑर्गेनिक में आंसर को देख के भी सोचा जाता है कि कैसे हमें प्लान करना है तो आप देख रहे हैं कि इसमें इनोल फॉर्म है कहीं बॉन्ड नहीं चेंज हो रहा है कहीं कार्बन का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट में हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन हटाया गया है एक में एक में इस हाइड्रोजन को हटाया गया राइट साइड में ड्यूट्रॉन रखा गया है एक में इस साइड का हाइड्रोजन को हटाया गया है एक में यहाँ टॉप के हाइड्रोजन को हटाया गया है एक में लेफ्ट और राइट दोनों को हाइड्रोजन हटाया गया है तो ये सिर्फ एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है अब आपको सोचना है कि डिस्प्लेसमेंट है जो तीनों चारों आंसर को देख के कि जो बॉन्ड विक रहेगा सबसे वीक रहेगा वहां सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट होगा सबसे पहले अटैक वहीं होगा तो अब आप चेक करेंगे यहां पे जो आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सोचना है कि ऐसे सोचना है देखिए ऐसा ऐसे सोचना है देखिए पहला वाले में देखना है कि पहला वाले में इस बॉन्ड को हटाने के बारे में बात हो रही है कि पहले वाले में ए में इस हाइड्रोजन को, को रिप्लेस होने के बारे में बात हो कि पहला वाले में ए ए बॉन्ड को हटाने की बारे में बात हो रहा है ए वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए डिस्कस किया जा रहा है बी में बी में इस वाले बॉन्ड को इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए प्लानिंग किया जा रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ डी रखा जाए सी वाले में इस बॉन्ड के बारे में बात हो रहा है कि इसमें इस हाइड्रोजन इस को हटा करके मैं ड्यूट्रॉन रखना चाहता हूँ तो मुझे देखना है कि इन तीनों में सबसे वीक बॉन्ड कौन है जो वीक रहेगा वहाँ अटैक करने जाएगा ठीक है आप जानते हैं कि ये कार्बन ये कार्बन है एस है और ये कार्बन एस है और एस वाला बॉन्ड ये वाला शॉटर है आपको डाटा तक पता है 1.10 इसका डाटा तक हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं कि sp3 वाला हाइड्रोजन वाला ये है 1.12 पॉइंट ये डाटा हम लोग अल्केकिन अलकिन में ही पढ़े हुए हैं कि 1.10 पॉइंट ये सब एनस में है डाटा ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो ये शॉटर है और ये वाला लॉन्गर है और ये सबसे वीक तो ये सी वाला है ये तो हाइड्रोजन देख रहे हैं हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन ये तो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है ये तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो अगर आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे सबसे स्ट्रांग बॉन्ड जो है वो ए है ए देन उसके बाद बी और सबसे वीक बॉन्ड जो है वो सी है ऐसा सबसे वीक बॉन्ड जो आपको है इन तीनों में वो है सी सी सबसे वीक है तो सबसे पहले सी पे ब्रेक कर लीजिए सी पे ब्रेक करिएगा ऐसा जो हो जाएगा वो ये है आंसर तो एडवांस क्वेश्चन है आप आंसर को देख के प्लान करेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या प्लानिंग क्या होगा क्या करना क्या है तो इसमें इस साइड में हाइड्रोजन है तीन जगह हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड राइट साइड मिडिल साइड और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है ड्यूट्रॉन से तो हमें देखना है कि जो बॉन्ड सबसे वीक रहेगा उस बॉन्ड पे पहले अटैक करना और सबसे वीक है मिडिल वाला है. हो गया अब इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना आपको देखिए अब ऐसे समझना अगर आपसे यह पूछा जाए सी एच थ्री और सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री और इस पर पूछा जाए कि इस कंपाउंड पे मुझे डी टू ओ का और क्वेश्चन में लिखा रहा है वन मोल वन मोल ऐसे लिखा है, ठीक है तो आपको प्लानिंग क्या होगा आप प्लान ऐसे करेंगे समझिए आप इससे इससे आईडी क्वेश्चन से सीखना है आप बोलेंगे कि अच्छा ये बॉन्ड ये बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है दोनों साइड कार्बन हाइड्रोजन बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है और अल्केन के बॉन्ड रूम टेम्परेचर पर तो ब्रेक होते नहीं है इनको लाइट चाहिए अल्ट्रावाइलेट रेज चाहिए या फिर 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए तो ये बॉन्ड ईजिली तो ब्रेक होगा नहीं क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होते हैं तो आप रिएक्शन करने से पहले ये सब प्लान बनाएंगे मन में सोचेंगे कि अच्छा मैं अगर इसका टाक्टोमस कर लेता हूँ ऐसे मन में सोचे कि इसका टाक्टोमस कर लेता हूँ अगर टाटोमस कर लेंगे तो ये बॉन्ड जो गया हो जाएगा ऊपर वाला बॉन्ड काफी वीक हो जाएगा और वीक बॉन्ड हो जाएगा और वीक बॉन्ड में अब आप मन में सोचेंगे कि अच्छा ये एक टॉटोमस कर लेता हूं मैं और उसको फिर रिप्लेस कर लेता हूं जो कि आईडी क्वेश्चन था और रिप्लेस करके यहाँ मैं ओ कर लेता हूँ ओडी कर करके ऐसे मैकेनिज्म ये है समझना आपको ओ ऐसे कर लूँगा जो कि आईडी क्वेश्चन था और बाद में लास्ट में मैं इनको रिप्लेस कर दूंगा बुला लूंगा वापस बोलूंगा कि भाई आप यहाँ आ जाइए ऐसे और डबल बॉन्ड को भेज दीजिए ऐसे तो फिर आपका प्रोडक्ट जो होगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ बनेगा सी एच टू डी सी एच टू डी ठीक है और अगर इसी क्वेश्चन में ये कोई बोल दे आपसे आपसे कोई बोल दे कि नहीं इस कंपाउंड पे रिएक्शन करना है डी टू ओ और डी टू रिएक्शन करना है और लिखा रहेगा कि यहाँ एक्सेस एक्सेस डी टू एक्सेस डी टू तो एक्सेस रहेगा तो आप जानते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन सिक्स और सारे के सारे टोटोमस करने जाएंगे तो एक बार हुआ दोबारा हुआ तीन बार चार बार पांच बार छः बार छः बार होगा और छः बार होगा तो सी डी थ्री तो डिपेंड करता है एक्सेस रहेगा तो जितने अल्फाइड्रोजन है अल्फाइड्रोजन फोर टॉटोमस टॉटोमस के लिए अल्फाइड्रोजन जो है वो सिक्स है तो सिक्स है तो सब जगह से एक एक, एक एक बार एक बार में ये हुआ आ गया फिर दोबारा करेगा तीसरी बार चौथी बार ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है नेक्स्ट देखिए आप समझिए इसमें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें है फोर अल्फा हाइड्रोजन फोर ठीक है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन आप देखेंगे लेफ्ट साइड जैसे ये हुआ आपका यहाँ कार्बन है कार्बन के फोर बाउंड में ऐसा हुआ कार्बन के यहाँ भी फोर बाउंड में ऐसा हुआ तो अल्फा हाइड्रोजन फोर तो पेपर में देखना है क्या लिखा हुआ है अगर लिखा हुआ है इसमें डी और लिखा हुआ है वन तो आप एक जगह से टाउटोमर्स करके फिर से वापस ले आएंगे और अब आप, आप बोलेंगे कि ऐसा होगा आपका आंसर ये होगा बट अगर लिखा हुआ पेपर में लिखा हुआ है कि नहीं मुझे यहाँ से डी टू लेना है और लिखा हुआ एक्सेस यहाँ डी टू और लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सेस एक्सेस लिखा हुआ है तब आपका जितने रिस्पॉन्सिबल हैं टाउटोमर्स के लिए जितने हाइड्रोजन सारे हाइड्रोजन पे यहाँ पे आप रिप्लेस कर देंगे मैकेनिज्म आप जानते हैं कि कैसे मैंने इसको बनाया है ठीक है टाउटोमर्स होकर के फिर क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा इसका सबसे पहले आप टाउटोमर्स करेंगे टाउटोमर्स कर कर करके ये बॉन्ड काफ़ी वीक हो गया ये बॉन्ड वीक हो गया तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तोड़ करके यहाँ पे आप ड्यूट्रियम को लाएंगे ऐसे और ओ और डी और फिर टाउटोमर्स करके वापस ले आएंगे तो कुछ ऐसा ये हो गया देखिए ऐसा फोर्टी वन ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए तो आप क्लास में अभी पढ़े हुए हैं आप इसको देखिए ध्यान से ऐसे ठीक है आप मुझे बताएंगे इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमस तो आप देखेंगे फिगर तो ऐसा देखिए आपका ये फिगर हो गया इसके रिस्पेक्ट में अल्फा एक हाइड्रोजन यहां भी है और एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन यहां तो अल्फ़ा हाइड्रोजन तो अल्फा हाइड्रोजन तो ध्यान रखेंगे थ्री नहीं है नॉट थ्री ठीक है अल्फा हाइड्रोजन फोर टाउटोमस मैंने क्लास में बताया था कि टाटोमस के लिए सिर्फ ये दो ही टाउटोमर्स करेंगे आप टाउटोमस ऊपर से नहीं कर सकते आप टाटोमस करेंगे यहाँ स्पीडू आ जाएगा बाईसाइक्लो के कॉर्नर पर स्पीडू नहीं होता तो आपको टाउटोमस अल्फ़ा हाइड्रोजन टू फोर टाउटोमस हम लोग बात करें कि ये टाउटोमस के थ्रू ये रिएक्शन होता है तो इसलिए आपको समझना है कि टाउटोमस कहाँ कहाँ हो रहा है किस हाइड्रोजन से हो रहा है अब इस पे आप डी टू कर दीजिए और क्वेश्चन देखिए अगर लिखा हुआ है वन मोल तो वन मोल जो नीचे में टॉटोमस हो रहा है वहां से आप कंप्लीट कर लेंगे तो वन मोल अगर लिखा हुआ है तो आपका आंसर हो गया है, यहां से हो गया डी बट अगर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि एक्सेस डी और लिखा हुआ एक्सेस थ्री नहीं टू लेना है आपको टू अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके रिएक्शन के लिए टॉटोमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो आपको टू बस यहाँ और यहाँ ऊपर वाला अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमर्स नहीं सो करता फोर्टी टू देखिए ये एग्जाम्पल देखिए आप जानते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन इसमें है बट यहां टाउटोमस हो ही नहीं सकता ठीक है यहां अल्फा हाइड्रोजन है यहां पे आप जानते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन है एक यहां है एक यहां है बट आप शुरू से आप पढ़ रहे हैं इसमें कि नॉट सो टाउटोमस नॉट सो ये टाउटोमस स ये नहीं सो करता ये कभी टॉटोमर्स सो नहीं करेगा तो डिटो आप कभी भी रिएक्शन करेंगे ये होगा ही नहीं कभी रिएक्शन नहीं करेगा डीटो तो ये था आपका रिएक्शन बेथ था डीटू सो फोर्टी टू पॉइंट थ्री पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट पॉइंटी कैंड बेसिक मीडियम को आप देख लीजिए फोर्टी थ्री जिससे मान ली कोई कंपाउंड मैंने लिखा कोई ऐसे कोई कंपाउंड इस तरह से लिखा मैंने ऐसे इस तरह से ठीक है इसमें अल्फा है अल्फा लेफ्ट साइड भी है अल्फा और राइट साइड भी है ठीक है और ये है हाइड्रोजन ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ ऐसे और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन हुआ ऐसे इस टाइप का ठीक है आप जो एसिड होता है हम लोग एसिड बेस पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं कि एसिडिक जो होता है ठीक है एसिडिक जो है वो वन बाई कार्बन वन बाई प्लस आई इफेक्ट कहेंगे ये प्लस आई इफेक्ट कहिए इसको या प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले लोग तो कार्बन ही हैं ये कार्बन वाले लोग हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं तो अगर मैं आपको यहाँ पे मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करूँगा ऐसे हाइड्रोजन के लिए कि एक हाइड्रोजन है मेरा लेफ्ट साइड हाइड्रोजन हुआ और एक है राइट साइड हाइड्रोजन ये राइट साइड हाइड्रोजन हुआ तो अगर आप प्लान करेंगे कि इसमें एसिडिक दोनों अल्फा है बट एसिडिक हाइड्रोजन में जो आपका इधर इधर कार्बन ज़्यादा है इस हाइड्रोजन के बगल में बहुत सारे कार्बन हैं इधर ऐसा तो सेम है इधर लेफ्ट ये वाला तो कॉमन है बट इधर हाइड्रोजन है और इधर ढेर सारा कार्बन है वन कार्बन टू कार्बन, कार्बन थ्री कार्बन आज ग्रुप्स है तो अगर हम लेफ्ट और राइट के बारे में बात करेंगे तो लेफ्ट हाइड्रोजन लेफ्ट वाला हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू राइट वाले हाइड्रोजन से तो लेफ्ट हाइड्रोजन ज्यादा है ठीक है तो लेफ्ट हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा अब आपको ये प्लांट करना है देखिए अभी यहां से आपको ये सीखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए इसके लिए ठीक है ऐसे ऐसे टाउटोमर्स ऐसे टाउटोमर्स ठीक है इन बेसिक मीडियम अगर पूछा जाए कि इसका टाउटोमस इन बेसिक मीडियम तो बेसिक मीडियम में अगर टाउटोमस के लिए प्लान करना हो जैसे पूछा जाता है चार ऑप्शन रहेगा कि कहाँ से टाटोमस बेसिक मीडियम में तो आप ध्यान रखेंगे टाटोमस इन बेसिक मीडियम में आप इसको फॉलो करेंगे ये वाला ज़्यादा एसिडिक है ये ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि तो इन दोनों में लेफ्ट साइड और राइट साइड में ये लेफ्ट वाला ज़्यादा एसिडिक है तो बेस जो है बेसिक मीडियम रहेगा तो आपको ऐसे बनाना है तो इस तरह से और अगर बेसिक मीडियम है आपका बेस मीडियम है तो ये ये एसिड है या एसिडिक हाइड्रोजन है वो हटा देगा हटा करके एनाइन बनाना है आपको आपका आंसर ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऐसा ऐसे बनाएंगे ये बेसिक मीडियम का यह है टॉटोमस इन बेसिक मीडियम और इसी का अगर टॉटोमस बनाना हो मुझे एसिडिक मीडियम में तो देखिए ऐसा यहां से अब बनाएंगे तो अगर लिखा रहेगा टॉटोमस इन एसिडिक मीडियम एसिडिक तो मीडिया में टॉटोमस करेंगे तो वो ये लेफ्ट वाला ये राइट right साइड क्योंकि इसमें बेस के लिए एसिड चाहिए और यहां स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं चाहिए नॉर्मल एक्सरिड या वीक एसिड रहेगा तो भी बन जाएगा तो आपका आंसर ऐसा रहेगा यहां आंसर इसी फॉर्म में क्योंकि एसिड इसको इस पर अटैक नहीं करेगा बेस रहता है तो इस पर अटैक कर देता है और प्रोडक्ट वैसा बनेगा तो ये था आपको टॉटोमैस इन एसडिक और बेसिक मीडियम में आपको डिस्कस करना था और एग्जाम्पल आप कर लीजिए फोर्टी थ्री हो गया फोर्टी फोर मान लिया ऐसा हो इस टाइप का सेम वही एग्जाम्पल है उसी टाइप का रहता ही है मान लिया ऐसे रहे तो यहां अल्फा हाइड्रोजन एक अल्फा हाइड्रोजन ये भी है ठीक है और एक अल्फा हाइड्रोजन ये भी है तो अल्फा हाइड्रोजन दोनों है आपका ठीक है आप बने इसमें से बेस्ट कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन सबसे अच्छा बनी हाँ कंटिन्यू करिए कंटिन्यू कीजिए इसमें तो इसमें आपका वही एग्ज़ाम्पल है वही एग्ज़ाम्पल हुआ आपका अगर हम लोग अल्फा लेफ़्ट में एक लेफ्ट साइड हुआ और अल्फ़ा जो हुआ वो राइट साइड हुआ तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर हम लोग प्लान करेंगे कि इसमें एसिडिक तो एसिडिक हाइड्रोजन ऑफकोर्स एसिडिक हाइड्रोजन में लेफ़्ट वाला ज़्यादा होगा और राइट लेफ्ट वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा राइट साइड के हाइड्रोजन से ये तो ये हो गया हम लोग का प्लान कर लीजिए फिर वही एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम सेम एग्जाम्पल वैसा ही रहेगा तो अगर आप यहाँ से बना रहे हैं टाटोमस ऐसे तो टाटोमस इन बेसिक मीडियम तो बेसिक मीडियम में इस साइड से जो ज्यादा एसिडिक होगा वो टाउटोमस करना है आप टाटोमस करेंगे और ऐसा होगा देन ओ चैन ओच अटैक करेगा वाटर निकल जाएगा और प्रोडक्ट कुछ ऐसा Okay? Yeah. और अगर आप टोटोमस इन एसिडिक मीडियम अगर आप इसमें एसिडिक मीडियम के लिए करेंगे तो एसिडिक मीडियम में जो होगा वो आपका राइट साइड से टोटो राइट साइड से कर लीजिएगा और राइट साइड से करिएगा तो ऐसा प्रोडक्ट हो गया ये yeah. तो टोटोमस इन एसिडिक मीडियम टोटोमस इन बेसिक मीडियम फोर्टी फोर फोर्टी फाइव मान लीजिए कि अगर ऐसा हो ये इस टाइप का हो इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए अगर मैंने ऐसे दे दिए ठीक है अगर ऐसा एग्जाम्पल हो तब तो देखिए यहां एसिड बेस कोई काम ही नहीं करेगा तब अगर ऐसा एग्जाम्पल हो इस टाइप का हो तो यहां एसिड बेस कोई काम नहीं करेगा यहां दोनों मीडिया में एक ही फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कि यहां वाला ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों के बीच में अल्फ़ा आएगा और ये आप जानते हैं कि ये हाइड्रोजन जो हुआ वो हाइड्रोजन मोस्ट एक्टिव होता है तो मोस्ट एक्टिव हमेशा अगर इस टाइप का हो कि दोनों साइड से कीटोन ग्रुप हो तब आपका जानते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन मोस्ट एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है तो यहीं से रिएक्शन जब भी होगा वो इसी जगह से चाहे मीडियम हो एसिड हो चाहे बेसिक मीडियम हो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता तो एक एग्ज़ाम्पल ये भी आप कर लीजिएगा कि अगर आपका इस टाइप का हो ऐसा हो तो टॉटोमस इन बेसिक मीडियम तो बीच से यहाँ से आपको टॉटोमस करना होगा इस जगह से टॉटोमस करना है और फाइनली जो है वो इसको हटा देंगे और हटाने के बाद ऐसा बनेगा बेसिक मीडियम में और वैसा ही अगर टॉटोमस एसिडिक मीडियम है तो भी तो टॉटोमस इन एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम करेंगे तो भी वैसा ही बनेगा इसमें बस बेसिक मीडियम रहता है तो बेस इस पर अटैक करता है और ए नाइन बना देता है बाकी तो सेम रहेगा आपका ठीक है तो ये हो गया फोर्टी टॉटोमस इन एच मीडियम बेसिक मीडियम ये कंप्लीट हो गया नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ टॉटोमस ये तो कम्प्लीट हो गया टॉपिक फाइनल है यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल आप बना लीजिए फोर्टी सिक्स तो अगर यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन है ऐसा एल्डिहाइड है और ये जो टॉटोमस हुआ और यहां आपने बनाया सी एच टू सी और ओ OH, एच और एच तो इस टॉटोमस को बोलते हैं कीटो टॉटोमस तो कीटो इनोल टॉटोमस आप जानते हैं ये ये फॉर्म है कीटो और ये फॉर्म है इनोल तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमस हो गया कीटो इन टोटोमस मेन पढ़ना तो यही है आपका और अगर आपको नाइट्रो में लेना हो तो ऐसा लिख सकते हैं सी एच थ्री और एन डबल बॉन्ड ओ ऐसे ऐसे तो टॉडोमस करेंगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और इस तरह बन गया सी टू और डबल बॉन्ड एन और ओ OH, और ऐसा तो इस टॉटोमस को बोलते हैं यहाँ भी लेफ्ट साइड ही मेन मेजर रहेगा आपका ये नाइट्रो है नाइट्रो उसको बोलते हैं ए सी आई ए नाइट्रो तो ये है नाइट्रो ए नाइट्रो टॉटोमस फोर्टी एट यह है नाइट्रोसो यह एन और डबल बॉन्ड ओ करेंगे ऐसे और इसको ऑक्जाइम नाइट्रोसो ऑक्जाइम यह हाइड्रोजन यहां चला जाएगा यह हाइड्रोजन ऐसे यहां चला जाएगा डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा तो यह हो जाएगा एन यह है नाइट्रोसो ऑक्जाइन ये नाइट्रोसो और इसको बोलते हैं ऑक्जाइन सो नाइट्रोसो ऑक्जाइम टाउटोमस सो नाइट्रोसो ऑक्जाइम टाउटोमस फोर्टी नाइन एमिडो एमाइड ग्रुप से हुआ और आईमीटो क्या टाउडोमस हाइड्रोजन साइड से होता है यह हाइड्रोजन साइड यह हाइड्रोजन वाला ये ज्यादा एक्टिव होगा और डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा तो एमीडो आईमीडो ये हुआ एमीडो और ये है आईमीडो टॉटोमस तो एमीडो आईमीडो एंड लास्ट साइनाइड आइसोसाइनाइड कर लीजिए इनाइट आइसोसाइनाइट ये फाइनल हो